ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें माना गया था कि सोलन में भूकंप आने के बाद बहुत से लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं और उन्हें किस तरह बचाना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की, जिसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ठोडो मैदान बुलाया गया। सोलन में भी मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें माना गया कि सोलन में भूकंप आने के बाद बहुत से लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं और उन्हें किस तरह से बचाना है, इसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की, जिसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आज सुबह ठोडो मैदान में बुलाया गया। ठोडो मैदान में स्थापित इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर में शहर में चल रही गतिविधियों पर नजर रखी गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और भूकंप के बाद रेस्क्यू में जुटे कर्मियों को निर्देश भी दिए जा रहे थे। अधिक जानकारी देते हुए एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने बताया कि आज ये माना कि सोलन में भूकंप आने के बाद 5 जगह त्रासदी हुई है, जहां करीब 100 लोग इसकी चपेट में आए हैं और करीब 15 की मौत हुई है। ज्यादा घायल लोगों को तुरंत विभिन्न टीमों के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, वहीं जो ज्यादा गंभीर नहीं है उन्हें सीधा ठोडो मैदान में लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं मैदान में ही रिलीफ कैंप भी स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपनी कमियों का पता लग सके। आज भी उन्हें अपनी कई कमियों का पता चला है, जिसे कई टीमों का आपसी तालमेल नहीं था, जिन्हें आने वाले समय में ठीक किया जाएगा। SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDMA के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। इसमें एक सिनेरियो दिया गया कि अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिमाचल हमारा बहुत प्रोन है, तो 8 रिश्टर स्केल 8 में के स्केल का अर्थक्वेक जो है सुंदरनगर को एपिसेंटर मान के एक इस तरह का सिनेरियो दिया गया, जिससे कि सारे जिले अफेक्टेड हुए और उसमें हमारा जिला सोलन भी अफेक्टेड माना गया। बाद 5 ऐसी इंसिडेंट साइट्स जो प्री डेजिग्नेटेड थी, उनके ऊपर 5 टास्क फोर्स बना के भेजी गई, जिसमें पुलिस विभाग, आर्मी, CRPF, होम गार्ड और फायर डिपार्टमेंट, इन सबकी टीम्स थी। तो इस पूरी मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग भी हमारे साथ था, IPH, PWD, BSNL, सभी लोगों को इन्वॉल्व करके ये एक्सरसाइज की गई। कुछ ग्रे एरियाज इसके अंदर पाए गए हैं, जो हमें गैप्स लग रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन के गैप हैं, कुछ अन्य विभागों से तालमेल के थोड़े गैप हैं, और उन सबको, इन सबके साथ बैठ के डीब्रीफिंग के बाद उस सबके ऊपर काम किया जाएगा और उन्हीं ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। हर साइट में हमारी 20-20 के आसपास 20 वॉलंटियर्स हमने इसमें डमी जो रखे हुए थे, क्योंकि ये मॉक ड्रिल थी, तो इसमें जो कैजुअल्टीज हमारी आई वो पांचों साइट्स के ऊपर 3-3 कैजुअल्टीज थी, तो 15 कैजुअल्टीज इस प्रकार से हमारी कुल थी। बाकी जो कैजुअल्टीज और मेजर इंजरी वाले लोग थे, उन सबको रीजनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जो हमारा प्री डेजिग्नेटेड मेजर यहाँ पे सेंटर है। उसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को भी इस ड्रिल के अंदर इन्वॉल्व किया गया। जो माइनर इंजरी वाले लोग थे, उनको यहाँ स्टेजिंग एरिया में हमने मेडिकल पोस्ट बनाई थी, उसमें लाया गया, और उसके अलावा यहाँ पे एक रिलीफ कैंप का भी प्रावधान किया गया था। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटूडे के साथ। नमस्कार।